बड़वानी। कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, लुटेरी दुल्हन के फर्जी माता पिता सहित 5 लोगों को लिया हिरासत में, दुल्हन व उसके दलाल की तलाश जारी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि खरगोन जिले के बमनाला निवासी योगेश पिता जगदीश गुप्ता ने थाना बड़वानी में 27 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ षड्यंत्र पूर्वक सोनू पिता राजू निवासी ग्राम मोहला तहसील सेंधवा की युवती से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके 1,50,000 रुपये लेकर उसकी शादी करवा दी गई, जिसके बाद युवती को बाजार में खरीदी करवाने के बहाने वहां से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अन्ना पिता रगा उम्र 50 वर्ष निवासी सेंधवा, संजय पिता प्रकाश जाटवा उम्र 50 वर्ष निवासी सेंधवा को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। वह पतारशी के दौरान दिनेश पिता शेर सिंह निवासी ग्राम तीरी जिला खरगोन व लुटेरी दुल्हन की फर्जी माँ रेखापति दिनेश मंडलोई उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम भुलगांव जिला बड़वानी व फर्जी पिता सकाराम पिता बल्लू उम्र 50 साल निवासी झापड़ी पाड़ला को आज हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दलाल व फरार दुल्हन को भी जल्द हिरासत में लिया जाकर उनसे राशि वसूल की जाएगी। देखिए, इसमें माह अक्टूबर में हमारे थाना कोतवाली में एक युवक ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से उसे संपर्क किया, उसे 1.5 लाख रुपए लिए, शादी कराई गई और उसके बाद सभी लोग फरार हो गए, जिस पर से थाना कोतवाली में हमने धारा 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और तब से ही इन आरोपियों की लगातार तलाश जारी थी। हमने इसमें कुल 5 आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं और इसमें जो हमें पूछताछ में पता लगा वो ये था कि फर्जी तरीके से इनके सगे संबंधी भी दिखाए गए, इनके माता पिता भाई भी प्रस्तुत किए गए और इस व्यक्ति को फंसा कर इससे पैसे लेकर सभी लोग फरार हो गए थे। अभी इनको हमने गिरफ्तार किया है, प्रकरण में पूछताछ और आगे की विवेचना भी जारी है कि क्या ऐसे कुछ और मामले भी हैं जिनका इससे संबंध हो सकता है। अभी प्रकरण में इन सब बिंदुओं पर पूछताछ जारी है। पैसे अभी इनसे रिकवर करने हैं हमें, ये आरोपी हमारी गिरफ्त में है, जैसा मैंने कहा प्रकरण विवेचनाधीन है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो जिला खरगोन का हमें मिला है, संभवतः सबसे पहले ये आवेदक उसके संपर्क में आया था और फिर शेष ये लोग उसके कॉन्टैक्ट में आए। टोटल कितने सेकेंड, ये 5 लोग अभी हमारे सामने निकल के आए हैं इसमें। बड़वानी, अंजड़ पुलिस की कार्यवाही, जुआ खेलते 9 लोगों को पकड़ा, नगद राशि सहित मोबाइल व बाइक की जब्त। थाना प्रभारी सोनू शितोले ने बताया कि कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तलवाड़ा डेब में लोग एक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर टीम बनाकर सूचना वाले स्थान पर पुलिस ने दबिश देकर वहां जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को दबोच कर उनके पास से 22,340 नगद रुपये तथा ताश के पत्ते, 7 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। ग्राम तलवाड़ा डेब में थाना अंजड़ की टीम के द्वारा 9 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है और उनके पास से 22,340 रुपए की राशि मोबाइल फोन से जब्त किए गए हैं। कुल 9 आरोपी हैं जिनसे 22,340 की राशि मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन से जब्त किए गए। मैं मोटरसाइकिल कितनी, मोटरसाइकिलें 2। सेंधवा वह धेतु ले जाए जा रहे गोवंश को पुलिस ने छुड़ा, 60 के लगभग गोवंश जब्त कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस ने आज मुखबिर से मिली सूचना के बाद जोपाली रोड से गोवंश का अवैध परिवहन कर रहे एक ट्रक को पकड़ा। थाना प्रभारी के अनुसार यह लोग राजस्थान से महाराष्ट्र वह धेतु गोवंश ले जा रहे थे। ट्रक में लगभग 60 के लगभग गोवंश को पुलिस ने छुड़वाया है। वहीं 3 आरोपी मोहसिन मंजूर और अज्जू को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक के साथ एक दूसरे नंबर की एक नंबर प्लेट भी प्राप्त हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोपाली तरफ से सेंधवा की ओर एक RJ पासिंग ट्रक जिसमें अवैध गोवंश भरा हुआ है, उसमें 3 व्यक्ति उसे लेकर आ रहे हैं, जिसे पुलिस और आमजनों की मदद से रोका गया और जिसमें चेक करने में अवैध गोवंश परिवहन करते हुए 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। सर कितने पशु होंगे? अभी कार्रवाई चालू है, लगभग 60 के लगभग गोवंश पाए गए। सर आरोपी कितने गिरफ्तार है? इसमें 3 आरोपी मिले हैं, एक मोहसिन मंजूर और अज्जू नाम के 3 व्यक्ति हैं जिनको मुखबिर पकड़ा गया है। सेंधवा, बिना अनुमति के भवन निर्माण पर चलेगा नगर पालिका का बुलडोजर। नगर पालिका CMO के अनुसार नगर में बिना नगर पालिका की अनुमति लिए भवन निर्माण व अवैध निर्माण के संबंध में बैठक में नगर पालिका CMO ने आवश्यक निर्देश देते हुए 12 इंजीनियर व टाइम कीपर की टीम गठित कर नगर में सर्वे कर ऐसी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने बिना अनुमति भवन निर्माण कर लिया या कर रहे हैं उन्हें नियमानुसार निर्माण कार्य के अनुमति लेने के लिए नोटिस जारी करें। अगर नोटिस के बाद भी
भवन अनुमति नहीं ली जाती है तो नगर पालिका विधानिक कार्रवाई करते हुए निर्माण को तोड़ने के लिए बाध्य भी हो सकती है। सहायक यंत्री राजेश मिश्रा ने बताया कि जिन्होंने बिना अनुमति के भवन निर्माण कर लिए हैं वे अभी भी अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए शासन द्वारा शुल्क में भी छूट दी जा रही है। बिना अनुमति के भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के संबंध में बैठक रखी गई जिसमें निर्माण शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सिटी में घूम के जो भी भवन बिना अनुमति के उन्हें चिन्हांकित करें और उनको शासन की 20% की जो छूट है उसका लाभ दें। जो बिना अनुमति के भवन निर्माण हुए उनके खिलाफ अगर वो अनुमति नहीं लेते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनको समय दिया जा रहा है कि आप उसका छूट का लाभ लें, अन्यथा फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।